बाबल थाना पुलिस ने खुरमपुर में महिला के ब्लाइंड मर्डर का किया पर्दाफाश। बेटे ने ही की थी मां की हत्या। अप्रैल माह में पिता की भी हत्या कर किया था अंतिम संस्कार। शक के बाद की थी बेटे से पूछताछ। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। उपमंडल बावल के खुरमपुर गांव में 1 जून की रात 40 वर्षीय महिला सुशीला देवी के ब्लाइंड मर्डर से पर्दाफाश करते हुए बावल थाना पुलिस ने महिला के पुत्र जोगेंद्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी जोगेंद्र ने अपनी मां से अनबन होने के बाद उसकी हत्या की और पुलिस को झूठी सूचना दी। इससे पहले जोगेंद्र ने ही अपने पिता रामनिवास की हत्या करना भी स्वीकार किया है। बावल डीएसपी राजेश लोहान ने बताया कि महिला सुशीला के पति रामनिवास की 9 अप्रैल को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। अगले दिन सुबह उसका शव एक पेड़ पर फंदे से लटका मिला था। उस समय परिवार ने आत्महत्या समझकर बिना पुलिस कार्रवाई के शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। पुलिस को दी शिकायत में जोगेंद्र ने कहा था कि वह अपनी कंपनी में काम कर 1 जून की रात 11 बजे घर आया तो मेन गेट बाहर से बंद था। गेट खोलकर घर के अंदर से 3 युवक बाहर की ओर भागते हुए निकल गए। वह तीनों को पहचान नहीं पाया। घर के अंदर पहुंचा तो सीढ़ियों के निकट उसकी मां सुशीला मृत अवस्था में पड़ी मिली। ग्रामीण में बावल थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और महिला के सिर व चेहरे पर तेज धार हथियार से चोट के निशान भी मिले। मृतक राम निवास की पहली पत्नी रामरति की मौत के बाद दूसरी शादी सुशीला से हुई थी। सुशीला से 3 बेटी व 1 बेटा जोगेंद्र है। पुलिस ने अपने स्तर पर जांच की तो पता लगा कि सुशीला के पति रामनिवास की मौत भी संदिग्ध थी। उसके बारे में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी। रामनिवास के शव पर लोगों ने चोट के निशान भी देखे थे, जबकि परिवार ने उसे आत्महत्या करना बताया था। संदेह होने पर पुलिस ने जोगेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे मंगलवार को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। आप भी सुनिए कि क्या बताया डीएसपी लोहान ने। उन्हें दिनांक 1-2 की रात में कुछ सूचना मिली थी 12 बजे के आसपास कि गांव खुरमपुर में सुशीला नाम की महिला कत्ल हो गया। इस सूचना पर पुलिस मौके पहुंची और हमने की छानबीन शुरू की। मुकदमा दर्ज किया गया और आगे पूछताछ में अनुसंधान पर जो मृत्यु का लटका था और उसके एक साफ बयान से अब तक की जांच से उसकी स्वीकारोक्ति से ये बात सामने आई जो कदम था इसके लड़के का। पहले ये बताया गया था कि 3 लोग आए, वो पूरी कहानी किसने बनाई, कैसे क्यों बनाई? जो ये लड़का था जोगेंद्र, जो अभी तक दोषी है इस मामले में, इसने अपने आप को बचाव करने के लिए इस तरह कहानी बनाई। परंतु जैसे तथ्य और साक्ष्य सामने आए, सच्चाई पर तक पहुँचती है, अब हम इसका जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसका पुलिस रिमांड सीट करेंगे। सर, पिता भी किस तरह से की पूरी वारदात इसने, और जैसा कि बता रहे कि पिता की भी पहले हत्या की थी, क्या इसी ने हत्या की थी? तो ये उस रोज ये फैक्ट्री में काम करता है, अभियुक्त जो है उस रोज अपनी मम्मी माँ से झगड़ा हुआ था चारा भूसा काटने के उसमें कि मैं चारा नहीं काटूंगा, इसी बात पर नाराज़ होकर उस दिन चला गया था। और फैक्ट्री से काम करके जब लौटा तो उसी आवेश में आके इसने अपनी माँ को, जो उस समय बोतल में पानी भरी थी, इसके कथनानुसार इसने आके अपनी माँ का मुंह खींचा और उसके बाद जो थोड़ा जो पास में पड़ा था उससे सिर पे मार दी और जिस दिन की चोट से जो था महिला के कपड़े भी उतरे गए सर, वो सब इसने जो था इसके कथनानुसार ये मैनिपुलेट करना चाहता था कि भैया मेरे कोई साक्ष्य इस पर न हो, इसलिए उसने पानी भर डाला। जो पिता की हत्या की बात आ रही है, करीबन 1.5 महीने पहले डेथ हो गई थी पिता की, वो कैसे हुई? तक जो इसने हमारे सामने स्वीकारोक्ति की है इसमें मानना है इसे, अब और भी गहनता से पूछताछ की जाएगी। क्या किसी की मां ने और इसने खुद ने मिली हत्या की थी? जो इसकी जो बातें आ रही है उससे यही प्रतिफल कारण क्या है सर इन हत्या हो गई? ये जो बच्चा था ये उतना उपेक्षित सा था, जैसे जो कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं मानते थे, मेरे माँ बाप मुझसे बातें भी करते थे, मेरी माँ मुझे पैसे नहीं देती थी, इस तरह के एलिगेशन लगा रहे कि मेरे कपड़े भी धोती थी, खाना भी देती थी, परंतु ऐसा जो परिवार जन ने पूछा ऐसा कोई बात नहीं थी। इसके मन में कुछ जमीन को लेकर कई कई शंकाएं थी,
इसको आगे पूछताछ में नहीं किया। अब जो मामला दर्ज किया गया है वो मृतका सुशीला के मर्डर का मामला है। इससे पहले जो इसका पति सुशीला का पति जो एक्सपायर हुआ था उस संबंध में किसी प्रकार की कोई पुलिस इन्फॉर्मेशन नहीं है जी। और ना ही कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। इनने अपने परिवार के लोगों रिश्तेदारों ने मिलकर उसको वहीं पर दाग दे दिया। तो अब खुलासा हुआ है तो अब क्या मुकदमा दर्ज होगा इस पर? जांच का विषय है। बाकी कोई ऐसा वो तो है नहीं आधार तो जी। अगर उसका मेडिकल होता कोई बात होती तब तो कोई बात बनती, लेकिन जब ये साक्षी नहीं है तो इस बेसलेस चीज होगी और इसको आधार नहीं माना जा सकता। तो इस पर बाकी इसमें कार्रवाई होगी। पूछताछ तो माना है कि उसने माँ ने और उसका पिता की हत्या की थी जी। तो बताते हैं ये बीमारी से भी कुछ मानसिक बीमारी से भी पीड़ित है? मानसिक नहीं बाकी साइको टाइप जो है बाकी मानसिक हो गया कि हमें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। वो उनकी जो पहले वाली माँ थी उसके पिताजी की पहली पत्नी रामवती देवी, तो उसके एक लड़का एक लड़की, लड़की बड़ी है राजवाला है और लड़का मनोहर, वो अलग रहते हैं। एक ही किलोमीटर पे, एक ही